हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, आप सबका स्वागत है माय टेक विद अरविंद गेस्ट वीडियो में। तो आज मैं एक नया रिव्यू और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अब आप पूछ रहे होंगे कि आज मैं क्या लेके आया हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक मस्टवेटेड जैसा फील होता है ना, कि एक चीज़ जो कि राह हम बेसब्री से देखते हैं, अब वही एक चीज़ हमारी, हमें उसका एक झलक मिल चुका है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नहीं पता चला तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विक्रम वेदा के टीजर के बारे में बात करने वाला हूँ। और उसमें ही दिखा है कि ऋतिक का जो नया अवतार है, उस अवतार के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा, क्यों ये फिल्म ज़रूरी है और क्यों ये फिल्म बनना ज़रूरी था या क्यों नहीं बनना चाहिए, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे और अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैसा है ना कि साउथ में फिल्म बने या नॉर्थ में फिल्म बने या हॉलीवुड में फिल्म बने, पर कोई भी फिल्म बनती है ना, तो उसको हम हमारे हीरोज या हम जिसे जिन्हें सुपरस्टार मानते हैं ना, उन्हें उस रोल में इमेजिन करते हैं। अब जैसे कि विक्रम वेदा का अनाउंसमेंट हुआ था, तो मुझे लगा था कि भाई यही बकचोदी वाली और भसड़ जैसी चीज़ें दिखाई जाएगी जो एज यूजुअल बॉलीवुड करते आया है। पर जब मैंने वो स्टार कास्ट के बारे में सुना, तो सोच रहे हो क्या, पहला नाम सुना था ऋतिक रोशन और उसके बाद सुना था मैंने सैफ अली खान। ये दो नाम इतने अंडररेटेड है, इतने अंडर, चलो ठीक है ऋतिक को छोड़ देते हैं, पर सैफ अली खान इतने अंडररेटेड है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, उनको अंडररेटेड किया जाता है। पर एक बात बताना चाहता हूँ, ये इन सब में ऋतिक रोशन ने जो छाप छोड़ी है टीज़र में, पहले सेकंड से वो अपना एक नया अवतार। अब उनकी पिछली फिल्मों में देख लीजिए, वो जिस तरह से काम करते, काबिल में जिस तरह से काम किया, बाद में 30 में जिस तरह से काम किया और अग्निपथ में जिस तरह से काम, वो एक, अरे उनका एक अलग से लेवल रहता है। उनके पास क्या क्या भरा पड़ा है और वो कैसे दिखा सकते, बस उसी में से एक नया अवतार या एक नया रूप हमारे सामने लेके आ रहे हैं वेदा के नाम से। अब एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वेदा का कैरेक्टर है ना, लाजवाब है। और जिस तरह से ऋतिक ने काम किया दोस्तों, ये एक एक सीन देखिए आप, एक एक सीन में वो जिस तरह से हंस रहे हैं, वो अच्छा भी दिखा रहे हैं, वो बुराई भी दिखा रहे हैं, वो हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और विक्रम और वेदा की स्टोरी वैसे ही है जैसे विक्रम वेताल की, तो विक्रम के पीठ पे बैठ जाता है वेताल और खुद की कहानियाँ सुना के उसे वो एक जगह ठहरा के रखने की कोशिश करता है। बस इस बार ऐसे ही कुछ काम वेदा करने वाला है विक्रम के साथ, और वो भी उसे अपनी कहानियों में ऐसा इन्वॉल्व करने वाला है कि विक्रम भूल जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस यही एक प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। इसके डायरेक्टर वही है जो विक्रम वेदा के डायरेक्टर, यानी तमिल वाली विक्रम वेदा के, ओरिजिनल विक्रम वेदा के डायरेक्टर है, इन लोगों ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों ये बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि उसमें अच्छा कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, या वो वही बॉलीवुड वाला सब कुछ मसाला डाला जाएगा वगैरह वगैरह, नहीं। इसमें आप देखिए ना, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए जन, क्या सुना है दोस्तों, वो जो डर लगना चाहिए ना कैरेक्टर पे, यानी देखने के बाद जो डर लगना चाहिए वो तो ठीक है, पर सुनने के बाद जो डर लगता है ना दोस्तों, वो सच में दिल में और दिमाग में बैठ जाता है। और ये जो इस बार बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया ना, आहा तूफान है यार, सच में मैं तो सोच रहा हूँ ना कि इस बार तो डर का माहौल तो सब जगह है, ये तो बात है, पर इस बार तो धमाका होने वाला है। और साथ में हम फिल्म में हमें दिखने वाले सैफ अली खान, तो सैफ अली खान के कैरेक्टर के बारे में इतना खोल के नहीं बताया है, इतना बताने की कोशिश नहीं की गई, बट हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सैफ अली खान का कैरेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले वीडियोस में, और उसके लिए भी एक टीज़र लॉन्च किया जाएगा सैफ अली खान के इंट्रो के लिए, उनके बारे में भी इंट्रो दिया जाएगा, और ट्रेलर में तो हमें पता ही चलने वाला है कि एक्चुअल में क्या और कैसे दिखने वाला है। टीज़र में तो एक झलक था, ये पूरी बॉलीवुड की यानी जान बन सकते हैं अभी, ये फिलहाल में ये हो चुका है, तो यानी सबकी आशा विक्रम वेदा से है, तो देखते अब क्या होता है, पर फिंगर तो क्रॉस है। अब करते बॉयकॉट ट्रेंड की बात, तो जिसका जब पोस्टर आया था या अनाउंसमेंट आई थी, तब से बॉयकॉट की बहुत ही चर्चे चल रहे थे, ये बॉयकॉट आएगा यानी विक्रम वेदा बॉयकॉट किया जाएगा, उसको ये किया जाएगा, उसको वो किया जाएगा। पर एक बात बताना चाहता हूँ, इतने दिन चल रहा था ठीक है कर लिया, वो ज़रूरी था, उन लोगों को उनकी जगह दिखाना ज़रूरी था, पर विक्रम वेदा के साथ वैसा मत करिए मुझे तो लगता है, क्योंकि ये बॉयकॉट करने के लायक नहीं है। अभी इसके साथ जो कंट्रोवर्सी जोड़ी जाएगी पता नहीं कैसी होगी, पर जो भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो दोस्तों उससे इसको दुगना और प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि ये फिल्म वैसी है जो आपके दिल में उतर सकती है, आपके दिमाग के साथ खेल सकती है। तो इसके बॉयकॉट ट्रेंड पे ज़्यादा ध्यान मत देना, और मैं तो बोल रहा हूँ ना कि 100% जाके इस मूवी को देखना, क्योंकि इस मूवी में जो आपको चाहिए ना वो सब रहेगा, क्योंकि ऋतिक जहाँ होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे परफेक्शन की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे सब चीज़ एकदम से नाप तोल के रहती है, और आपको कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्यों और ये
फालतू बनती क्यों चल रही। तो एश्योर होके या एकदम से बिंदास्त होके इस मूवी को जाइए, आप जरूर एंजॉय करोगे। आपने लाल सिंह चड्ढा के तो बहुत से रिव्यू देखे होंगे, आपने हर चीज समझी होगी, बहुत जानी होगी क्या है क्या नहीं है। पर मेरी तरफ से मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ करने का जरूर ट्राई करूंगा, तो एक बार मेरा वाला वर्जन भी ज़रूर देख लेना। वो एक आने वाले 2-3 दिनों में वो वीडियो भी ड्रॉप कर दूंगा, तो वो एक रिव्यू वीडियो भी ज़रूर देखना। तो हाँ, एक याद रखना कि लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू आपको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा विक्रम वेदा टीजर का रिव्यू। ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और बात करना चाहता हूँ, पर क्या है ना कि ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्या ट्रेलर तो आने दो, ट्रेलर आएगा मूवी आएगी तो और बातें होगी। तो जैसे जैसे लोग अभी ला रहे वो लोग, तो उसके हिसाब से बात चलेगी। तो टीज़र का रिव्यू आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों तो लाइक भी करना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। और क्या, ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वाले ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।